नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे वाले दिन यहाँ पर सिरसा में जेसीडी कॉलेज है, वहाँ पर एक प्रोग्राम किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ हम इन लोगों से लेते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? वीरेंद्र कुमार डीप रेंजर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सर, आज फॉरेस्ट डे है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है, क्या प्रोग्राम सर यहाँ पर प्लान किया गया है? यहाँ पर जैसे कि कोई जैसे अलग अलग विभाग है उनके सहयोग से, और विभिन्न विभाग है और कुछ आम जनता और कुछ और अन्य स्वास्थ्य संस्था है, उनके द्वारा यहाँ पौधारोपण का प्रोग्राम किया जाएगा। कितने पौधे लगाए जाएंगे? लगभग 2000 पौधे आज यहाँ पे लगाए जाएंगे। ओके सर, ये पूरा एक साथ से सारा पौधा? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सब तैयारी है और पौधे वगैरह सब है, तो उसके एक साथ ही किया जाएगा। आज के दिन में कर दिया जाएगा। कौन कौन लोग सर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में? यहाँ से जैसे वन विभाग है और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है और कुछ सामाजिक संस्थाएं जैसे कि सच्चा सौदा वगैरह, कोई उनकी तरफ से। सब देख रहे हैं कि जो सच्चा सौदा वाले लोग हैं, ये शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग फोर्स है, जो काफ़ी हजारों में पहुंचे हैं सर ये लोग। क्या ये आप लोगों के साथ कार्य करेंगे आज? हाँ, यहाँ पौधे लगवाएंगे वो भी। कैसा लगता है सर, इनका रिकॉर्ड जो आज तक का रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इस फोर्स के नाम पर पौधारोपण के लिए, क्या कहना चाहते हो सर इस सोच के, मतलब एक कहने पर ये इतने लोग इकट्ठे होकर आ जाते हैं? जैसे कि अलग अलग संस्थाएं हैं हर बार जो कि अपने इसमें पर्यावरण में अपना सहयोग देना चाहती है, तो इनमें भी अच्छा सहयोग है इनका भी, इसमें इनके द्वारा हर साल जैसे किया जाता है। इन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे सर, एक मतलब उनके लिए एक? ये तो मतलब मानवता की सेवा है, जो भी करे, जो भी अपने इसमें पुण्य में भागी बनना चाहे, क्योंकि किसी द्वारा अगर मान लो एक ही पौधा लगाया जाता है, किसी एक ही नहीं लगाया जाता, वो तो सारे संसार के ही लगाया जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक सवाल मैं और ऐड करना चाहूँगी, हमने इन लोगों से बात करी, ये कहते हैं हम बाबा राम रहीम जी के कहने पर ये काम करते हैं, आप ऐसी सोच को जो मतलब लोगों को चेंज कर देती है और लोग पौधा लगाने पहुँचते हैं, खूनदान करने पहुँचते हैं, इस सोच के बारे में क्या कहना चाहूँगी? सोच तो अपने आप की व्यक्तिगत होती है जी, कौन किसके कहने पर चलता है मैडम, प्लीज़, ये किसी की अगर आत्मा कोई आवाज़ देती है तो उस पर चलेगा वो। बिल्कुल सर जी। नहीं सर, हमने जैसे इनसे बात करी है, कहते हैं आजकल इतने साथ एक साथ जो लोग चलते हैं, इतने हम लोग जो बाबा जी के कहने पर करते हैं ये काम, उनकी सोच को हम जानना चाहते हैं, उनकी सोच के बारे में क्या कहना चाहते हो जो समाज हित के लिए सोच है? समाज हित में तो कोई भी कर सकता है जी, सोच अच्छी है, वही कह रहे हैं ना, कोई संस्था में किसी के साथ मिल के और किसी के नाम पे किया जाए तो उसमें सोच इकट्ठे होते हैं लोग, अलग अलग इंडिविजुअल नहीं कर सकते। मैं अगर चाहूँ अकेला कोई काम नहीं करता, किसी के साथ में हो जाता है काम, फिर इकट्ठा हो गया जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद।